दोस्तों एक गलती है जो तकरीबन नए यूट्यूबर सभी करते हैं, और वो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो गलती अक्सर जो है यूट्यूबर वो करते हैं, और ये वो गलती है जिसकी वजह से आगे जाके आपका चैनल जो है ना वो ग्रो नहीं करता, या चैनल डेड हो जाता है, या उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो वो गलती जो है वो तकरीबन सभी यूट्यूबर जो है वो जो न्यू यूट्यूबर हैं वो करते रहते हैं, और इससे चैनल में काफ़ी इसको नुकसान होता है चैनल को। तो वो चैनल वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि सभी दोस्त ये चाहते हैं कि मेरा चैनल जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, जल्द से जल्द मेरा वाई टाइम पूरा हो, तो उस वजह से वो ये कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी ये कोशिश जो है ना वक्ती तौर पर उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन आगे जाके उनके चैनल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो असर ये पड़ता है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सब फॉर सब करेंगे, जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, आप मुझे वाई टाइम दें मैं आपको वाई टाइम दूंगा। वो वक्ती तौर तो वो मिल जाता है, लेकिन वो आपके फॉलोअर नहीं होते, वो उनको आपकी वीडियो से इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक बंदा टेक का चैनल चला रहा है, लेकिन आपकी वीडियो है वो बिजनेस के ऊपर है, आपकी वीडियो फूड के ऊपर है, तो वो तो आपकी वीडियो नहीं देखेगा ना। तो इस तरह जो है ना वो दोबारा वो आपके चैनल पे नहीं आएगा। जब आपके चैनल पे नहीं आएगा तो उस पे फिर यूट्यूब ये समझेगा कि ये फेक काम का कर रहे हैं, तो उस वजह से वो आपकी वीडियो जो है वो ग्रो नहीं करेगी, और वो आपकी वीडियो जो है ना वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकेगी, जिसकी वजह से आपका चैनल डेड होने का खतरा है। लिहाजा ये जो गलती है सब आप सब फार सब वाली ये ना करें, बल्कि आप अपना अच्छा कंटेंट लेके आए और बेहतर कंटेंट लेके आए और अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी एडिटिंग करें, अच्छा थंबनेल लेके आए, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आपका चैनल जो है ना वो ग्रो हो जाएगा, और आपका चैनल